जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर हमें लोवेस्ट एनर्जी बतानी है किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की हाइड्रोजन एटम के लिए लाइमन सीरीज में। तो लाइमन सीरीज की बात करते हैं सबसे पहले। तो लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है? लाइमन सीरीज का मतलब होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में, ठीक है, वो लाइमन सीरीज में आता है। ठीक है, लाइमन सीरीज के अंदर उसको बोलते हैं हम। और ये सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है? ये सीरीज अल्ट्रा वोयलेट रीजन में लाई करती है, यूवी रीजन में लाई करती है। मतलब इसकी जो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग होगी, जो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो अल्ट्रा वोयलेट रीजन में लाई करेगी। इसके लिए हमें लोवेस्ट एनर्जी के बारे में बात करनी है। तो आप देखो कि लोवेस्ट एनर्जी जो होगी, लोवेस्ट एनर्जी लाइमन सीरीज के लिए वो करस्पोंड करेगी 2 to 1, सेकेंड एनर्जी लेवल से 1 के लिए। और अगर मैं आपसे पूछता क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से इंफॉर्मेशन होती कि हाईएस्ट एनर्जी के बारे में बात करोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होती? इन्फिनिटी टू 1। लेकिन क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा हुआ है? लोवेस्ट एनर्जी के लिए। ठीक है, तो मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है लाइमन सीरीज में स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करने के लिए? ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए हमने इतनी बातें देख ली। अब आपको अगर मैं बात करूं वेव नंबर की, तो वेव नंबर के लिए हमारे पास एक रिलेशन होता है R(Z)²(1/(N)²-1/(N)²। आर की वैल्यू हो गई रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, आर हो गया हमारे पास रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, जेड हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर, और इस केस में एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना हो गया? इस केस में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 हो गया। N1 हो गया लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी स्टेट, और N2 हो गया हाइयर एनर्जी स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास N1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, N1 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, क्योंकि लाइमन सीरीज के लिए हम कहीं से भी किसी भी एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन कौन से लेवल पे होता है? N=1 पे। एंड जेड बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि हमें कौन सा एटम गिवन है? हाइड्रोजन एटम गिवन है। ठीक है, तो वेव नंबर आपके पास क्या हो गया? वेव नंबर का मतलब होता है 1/λ। तो आप उसको क्या लिख सकते हो? R(1)²(1/(N)², N1 की जगह हम क्या लिख देंगे? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, /(N)²। लोवेस्ट एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि आप सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आएंगे, तो फॉर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट के लिए आपको N2 के लिए कितना रखना पड़ेगा? N2 को कितना रखना पड़ेगा? आपको 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, N2 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको रखना पड़ेगा। अब हमारे पास हमें एनर्जी के बारे में पूछा है, हमें 1/λ गिवन है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्वेश्चन के अंदर दोनों साइड HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर आ गया HC/λ, इधर आ गया R(HC)(1/(1)-1/(2)²। इस तरीके से HC/λ को क्या लिख देंगे? एनर्जी। क्या आ गया? R(HC)(1)-1/4। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी R(HC)(3/4)। तो हमारे पास ये एनर्जी करस्पोंड हो गई लाइमन सीरीज के लिए लोवेस्ट एनर्जी वाली स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? R(HC)(3/4)। तो आप अगर इसके ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा HCr 3/4। तो इसके लिए हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।